औलाद को बिगड़ने से कैसे बचाएं? आजकल हालात बड़े ख़राब हैं, घर में रखें तब भी मोबाइल है, टीवी है, बाहर छोड़ें तो बुरी सोहबतें हैं और फिर अलग असबाब हैं बाहर, तो क्या तरीक़ेकार आज के वालिदैन अपनाएं? अब तो ये कहा जा रहा है कि इस माशरे में सबसे मुश्किल काम जो है वो औलाद की तरबियत है। बजा बजा फरमाया, हकीकत है, हालात ऐसे ही हैं। जहाँ भी भेजो ना, अगर तालीमी इदारों में भेजो तो वहाँ भी माहौल, तलबा आएंगे अपने अपने, वो जो भी अपना अपना ले आएंगे घर से, वो शेयर करेंगे एक दूसरे को। बच्चा अच्छा खासा होगा तो तालीमी इदारे में जाकर हो सकता है अखलाकी तौर पर तबाह होकर निकले। इस तरह के हालात हैं, तो एक कोशिश ही कर सकते हैं। अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, हम कोशिश करें अल्लाह पाक कंप्लीट फरमा दे, तकमील कर दे, नियत साफ, मंजिल आसन। और माँ की गोद तो पहला मदरसा है, तो अब माँ अगर नेक होगी, परहेजगार होगी, उसकी बरकतें मिलेंगी उसको। लेकिन अब माओं का भी तो हाल जो भी हमारे सामने ही है, बापों का हाल भी हमारे सामने है, तो चूंकि वो घर में ही माहौल पूरा नहीं तो एक अच्छा खासा बिगड़ा हुआ होता है, गुनाह भरे चैनल्स चल रहे होते हैं, आँख खुलती है तो म्यूज़िक की आवाज़ आती है कानों में, तो कैसे तरबियत होगी? घर का माहौल दुरुस्त किया जाए तो इंशाअल्लाह तरबियत में बहुत मुमीद मुआविन साबित होगा।